और नीट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए दो दिनों के अंदर अंदर नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और अंतिम फैसला सुरक्षित रखा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते। वही इस मामले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसका स्वागत, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। नीट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है। सरकार जो बार बार कह रही थी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी वही आया है। आप क्या कहना चाहते हैं, लाखों युवाओं के लिए एक राहत की सांस आई है, व्हाट्स योर टेक? जैसे मेरे मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था, सत्यमेव जयते, यही सही रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। लाखों बच्चों ने बड़ी मेहनत से यह एग्जाम दिया था। कुछ छोटी घटनाएं हुई थी कुछ आइडेंटिफाइड सेंटर्स पे, एक बहुत स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती थी, उस पर सरकार भी कड़ी कार्रवाई ले रही है, कर रही है। कुछ बच्चों का तो री एग्जाम हो चुका है और कुछ सेंटर्स पे जहां कुछ गलत काम हुआ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सीबीआई जांच के द्वारा की जा रही है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट इसके लिए बार बार कोशिश करते हैं कि नीट बंद हो। इसमें डीएमके जैसे पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। उनको जो सामान्य स्टूडेंट्स को आज लाभ मिल रहा है बिना कैपिटेशन फी पे करे, जो आज गरीब से गरीब व्यक्ति आज नीट का एग्जाम देके मेडिकल कॉलेज में भर्ती ले पाते हैं, विशेषकर जो मातृभाषा में एग्जाम देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है, उससे एक सामान्य व्यक्ति जो अपने मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं उसको भी जो मौका मिल रहा है, उससे ये बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस जो राजनीतिक प्रभाव में रहे कुछ राज्यों में, उससे डीएमके का और कांग्रेस का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ। जी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज आपने नाम लिया वो री एग्जामिनेशन के लिए भी बोल रही थी, अगर वो री एग्जामिनेशन सरकार करवा देती तो आज लाखों छात्रों का भविष्य भंवर में लटक जाता। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार ने तब चुप्पी साधी रखी और फाइनल डिसीजन आया है? आज आप उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं जो री एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे थे? मैंने जैसे बताया उनका पर्दाफाश हुआ है, उनको सिर्फ राजनीतिक लाभ और कुछ ही चंद कॉलेजेस का लाभ करने का हेतु था, वो पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो गए। जी जी। और आज उन्होंने माफी मांगनी चाहिए देश से, जिस प्रकार से उन्होंने पार्लियामेंट में भी हंगामा किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और देश को भ्रमित करने की कोशिश की, कांग्रेस और डीएमके ने विशेष माफी मांगनी चाहिए देश। और अब खबर मेरठ से लेते हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं तरह तरह की कांवड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार राम मंदिर वाली कांवड़ खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस कांवड़ को लाने में तकरीबन 35 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। राम मंदिर के मॉडल वाली कांवड़ की विशेषताएं भी कमाल की है। राम मंदिर वाली इस कांवड़ के लिए स्पेशल रथ तैयार किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां राम मंदिर वाले रथ के साथ चलेंगी। कांवड़ में जनरेटर, डीजे की व्यवस्था भी अत्याधुनिक रूप से की जा रही है। इस कांवड़ के साथ जो श्रद्धालु चलेंगे उनके लिए स्पेशल भगवा टी शर्ट तैयार भी किया गया है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राम मंदिर की तर्ज पर ये कांवड़ बनाया गया है और इसकी कई खासियत है और साथ ही साथ सुविधाएं भी इसमें काफी दी गई है। भारत देश के लोगों को, हिंदुओं को लगा कि भारत में भी हिंदू रहता है और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो कांवड़ में पहली बार पुष्पों की वर्षा हुई, जबकि
अन्य सरकारें भी नहीं, उन्हें तो हज से ही फुर्सत नहीं थी, उनको तो मक्का मदीना से ही फुर्सत नहीं थी, कांवड़ियों की कोई चिंता नहीं करता था। आज देखिए, आज जल भी है, आज सड़क भी है, आज बिजली भी है, आज पानी भी है, आज फूलों की वर्षा भी है, दवाई भी है, सुरक्षा भी है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता इस यात्रा में, ऐसा भाव कांवड़ियों के अंदर है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से हुआ है। और मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग तस्वीरें सामने आई। एक पिता अपनी दो नन्ही बेटियों को दोनों कंधों पर लेकर हरिद्वार से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। ये दंपत्ति अपनी 5 बच्चों के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से नन्हे नन्हे अपने 5 बच्चों को लेकर ये व्यक्ति कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। कभी उसे कांवड़ में बिठाते हैं, कभी अपने कंधों पर बिठाते हैं, और फिर जल लेकर ये भगवान को जलाभिषेक भी करेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। बच्चों को ऐसे आप कैसे कावड़ में लेकर चल रहे? कोई मन्नत मांगी थी? क्या क्या मांगा था? कुछ नहीं, बोल रखा था क्या? सब बच्चों को ले जाऊंगा। तो छोटों ने कोई थे ना इसमें बिठा दिए? कष्ट होता है? नहीं। और कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने रेट जारी कर दिया है। खाने पीने का सामान जिनके रेट जारी किए गए हैं, निर्धारित रेट से ज्यादा पैसे लेने पर कार्रवाई होगी। तो ये अच्छी बात है कि अनाप शनाप पैसे वसूले जाते हैं, खासतौर पर जो इस तरह से यात्रा मार्ग होते हैं, लेकिन अब मुजफ्फरनगर प्रशासन ने रेट जारी कर दिया है। खाने पीने का निर्धारित रेट से अगर ज्यादा पैसे अगर लेंगे दुकानदार, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी। और कांवड़ मार्ग पर दुकानों और फलों विक्रेताओं के नाम उजागर करने वाली यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन अब कांवड़ के बाद संतों ने कुंभ में पहचान की मांग कर दी है। पांच हजार आने वाले चाहे 2000, जितना भी लोग आने वाले, उनका आधार कार्ड भेजो। मेले में 1000 राम सिंह आएंगे, आपका ID रहेगा, आपकी सुरक्षा भी रहेगा और मेला का भी सुरक्षा रहेगी। ये उनकी मांग जायज है, हम उसका समर्थन करते हैं। देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी के फरमान है, किसी के कहने से देश नहीं चलेगा। यूपी में कांवड़ यात्रा रूटों पर नेम प्लेट विवाद को लेकर मचे बवाल के बीच में अब प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में भी पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग उठने लगी है। यूपी में कांवड़ यात्रा रूटों पर नेम प्लेट को लेकर उठे विवाद के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने, जो कि साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है, जनवरी 2025 में संगम की धरती पर आयोजित होने वाले देश और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक मेले महाकुंभ में पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने की मांग की है। 13 जनवरी 2025 में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। ऐसे में साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने की मांग सरकार से की है। पहचान के लिए उसको ये हमारी चिंतन है कि प्रत्येक आदमी को आज मेला में चुनौतियों से भरा हुआ है। कहीं भी आदमी मतलब जो है हिंसक रूप से बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, अब उनसे कोई हिंसा न हो, कोई घटना न हो। 5000 आने वाले चाहे 2000, जितना भी लोग आने वाले, उनका आधार कार्ड भेजो और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी जो है वो मोहर मार प्रमाणित करके या सरपंच प्रमाणित करके कि यही व्यक्ति है। अखाड़ा परिषद की ओर से मांग की गई है कि मेले में आने वाले सभी लोग अपना पहचान पत्र लेकर साथ आए। उनके मुताबिक लोग सिर्फ पहचान पत्र ही ना लाएं, बल्कि उसकी कॉपी भी प्रमाणित कराकर अपने साथ लाएं, ताकि किसी घटना के बाद में लोगों की आसानी से शिनाख्त की जा सके और पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई करने में आसानी हो। बीजेपी का कहना है कि आखिर पहचान बताने में किसी को एतराज क्यों है? बीजेपी संतों की मांग का समर्थन करती है। उन्होंने जो कहा है कि पहचान छिपाने का क्या मतलब है? पहचान तो सबको रखनी चाहिए, नेम प्लेट लगाना चाहिए, दुकानों पे लिखना भी चाहिए। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया है, लेकिन अपनी पहचान सारे लोग पहले से भी लगाते रहे हैं। कुछ लोग जो चोरी करते हैं वही नहीं लगाते हैं, बाकी सभी लोग लगाते हैं।
जो लगाना चाहिए ये उनकी मांग जायज है, हम उसका समर्थन करते हैं। देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी के फरमान है, किसी के कहने से देश नहीं चलेगा। और संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक पहले भारतीय है, उसके बाद कुछ और है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपसी सौहार्द में रहते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम आभार प्रकट करना चाहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने एक फरमान जारी किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसको जिस तरीके से रद्द करने का काम या अंतरिम आदेश तक उस पर रोक लगाने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। अखाड़ा परिषद ने इससे पहले कांवड़ यात्रा मार्ग में खाने पीने को लेकर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था। इससे पहले योगी सरकार के आदेश पर कांवड़ यात्रा मार्ग में आने वाली दुकानों और ठेलों पर खाने का सामान बेचने वालों की पहचान बताने को भी कहा था, जिस पर सियासी पारा हाई हो गया था। हालांकि सरकार आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के बाद में इस पर फैसला आना अभी बाकी है। अब देखना है कि अखाड़ा परिषद की इस मांग पर शासन और प्रशासन का क्या रुख रहता है और सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और देवरिया से खबर आ रही है जहां पर एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। नितेश यादव के पैर में गोली बताई जा रही है कि लगी है। रफ्तार गैंग का सदस्य है नितेश यादव। नितेश यादव पर करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं। चुनकी कस्बे के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि जो रफ्तार गैंग का सदस्य है नितेश यादव, उसे गोली लगी है। नितेश यादव पर 11 मुकदमे दर्ज हैं चुनकी कस्बे के पास पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ बताई जा रही है। लगभग 3 बजे के आसपास हमारी लार थाने की टीम और एसओजी की टीम मुखबिर की सूचना पर अपराधियों के मूवमेंट के बारे में कुछ जानकारी हुई, इस पर वहाँ चेकिंग की जा रही थी। तो एक व्यक्ति बाइक से आता दिखाई दिया, जिसको रोका गया और रोका नहीं, इसने भागने का प्रयास किया। जब उसने पुलिस ने इसको और चेज किया तो इसने फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसके पैर में अंगूली लगी है और जिसकी पहचान नितेश यादव उर्फ रफ्तार के रूप में हुई है।